वापी पब्लिक स्कूल की ओर से शनिवार को नो योर चाइल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को ग्रीनवी में नो योर चाइल्ड नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अभिभावकों को बच्चों के प्रेमपूर्ण व्यवहार और बच्चों की जिज्ञासा को उचित ढंग से हल करने के बारे में जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम वापी पब्लिक स्कूल की तरफ से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 100 से अधिक अभिभावकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की ओर से अभिभावकों को बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करें और कैसे उनकी आंतरिक क्षमता का विकास हो, इस बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया। इस कार्यक्रम में आने वाले कई अभिभावकों ने यह स्वीकार भी किया, यहाँ आकर उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हुई हैं। तू झगड़ा करने एनर्जी गई ना, तो एक्सरसाइज वो अगर उनको ठीक से एक्सरसाइज नहीं मिला, उनका एनर्जी चैनलाइज नहीं हुआ, तो कितने लोग बच्चों को 2 घंटा बोलो आप खेल किया, जब उनका वो क्या करते बताओ, कितना भी हाइपर एक्टिव बच्चा हो, खेलने के आने के बाद बहुत खेला हो, बैठता ही नहीं। एंड व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे से व्हेन दे कम बैक हो, थक जाते हो, पूरा एनर्जी चला जाता है उसमें। दैट्स व्हाई दे लाइक टू वॉच रिलैक्स। वो लोग डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे अगर उनका एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो अगर बच्चा बहुत हाथ उठाता है, मारता है, चीजें तोड़ता है, फेंकता है, गुस्सा अगर किए तो भी बच्चे का नुकसान। आज यहाँ हमने नो योर चाइल्ड करके एक वर्कशॉप रखा है पेरेंट्स के लिए, जिसमें 125 पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और ये प्रोग्राम के द्वारा पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज होता है और उनकी जो बच्चों के साथ रिलेशनशिप होती है वो चेंज होती है। और ये चीज़ हम आगे जाके उनको बहुत काम में आती है। बच्चे जब टीनेज के होते हैं तब काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो वो दूर होता है। सो ये वर्कशॉप हमने दूसरी बार की है वापी में और आगे भी हम ये वर्कशॉप्स करते रहेंगे। और इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड जो ये नो योर चाइल्ड वर्कशॉप है वो आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी ने डिवाइस किए स्पेशली फॉर पेरेंट्स। और आज के जो दौर से लोग गुजर रहे हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को ये वर्कशॉप करना। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आगे जाके जब भी ये वर्कशॉप्स होते हैं तो इसमें ज्वाइन। लेक्चरर में कौन आया है आज हमारे साथ? है बड़ौदा से मिस प्रणाली, जो ये आर्ट ऑफ लिविंग में 11 साल से गुरुजी के साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने 1000 से 1500 लोगों की ये वर्कशॉप आगे भी कंडक्ट की हुई है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मतलब पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव हम लोग करते हैं और कैसा करना चाहिए। ये एक बहुत रियलिस्टिक मतलब पिक्चर जैसा आजकल होता है बच्चों के साथ, वो एकदम रियलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने पेश किया गया है कि कैसे मतलब हम लोग जो चीज़ें बच्चों को नहीं करना चाहिए वही हम लोग करते हैं, जो जिसके ऊपर बच्चे के मन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसका, और उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और इसके बाद मतलब हम श्योर है कि हम बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और इससे हमें और हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा। हाँ, प्रोग्राम जो है पछी मने एवं लगे कि दरेक माता पिता है एक वक्त तो ओछा में ओछो जाज होवो जोईए, जेथी करीने मैडम भैया जे प्रणाली बहन जे आपने गाइडेंस आपे छे ए बधा पोताना जीवन में एने उतारी शके। अने मात्र एक वक्त सांभळीने नहीं, रोज रोज ए विषय विचारीने पोताना बाळकोने कई रीते ध्यान आपवानुं छे, कई रीते एमनो वधारे सारो सर्वांगी विकास थाय एना माटे। અને એક નાના નાના પ્રોબ્લેમ્સ કે જે દરેક બાળકોના માતા પિતાને થતા હોય છે, નાનપણથી નાનકડા ભૂલકાથી માંડીને મોટો થયો બાળક ટીનેજ સુધી પહોંચ્યો ત્યાં સુધી દરેક માતા પિતાને સતાવતા હોય છે, એવા એકદમ સામાન્યમાં સામાન્ય પ્રોબ્લેમનો એ આપણને એક સુઝાવ આપી શકે છે અહીંયા કે કઈ રીતે આપણે વર્તન કરવું જોઈએ બાળક સાથે, બાળકની સામે, બાળકની એબ્સન્સમાં, કે પોતાના વાણી વર્તન અને વ્યવહારમાં કયા કયા સુધારા લાવવાના છે, એ બધું જ એમની પ્રણાલી બહેનની વાતોથી સારું એવું સમજાય છે। બાળકોના ડૉક્ટર હોવા છતાં કે ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી વાંચ્યા પછી પણ કદાચ હું એ વસ્તુઓ મારા જીવનમાં એટલી સારી રીતે નહીં કરી શકતી હોઈશ જે આજે મને એમનું વક્તવ્ય સાંભળીને કે એ જે ઉદાહરણો આપીને સમજાવે છે, એકદમ સામાન્ય ઉદાહરણો આપીને મને જે સમજાવ્યું એ જે મને સમજાયું છે કદાચ એટલું દરેકે દરેક માતા પિતાને સમજાય, એટલે ઓછામાં ઓછું દરેક માતા પિતા એક વખત તો